हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं गुड़, तिल और मूंगफली की चिक्की, जो कि सर्दियों में सभी लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने लिए हैं यहाँ पर मूंगफली के दाने, जो कि कच्चे वाले दाने आते हैं मार्केट में, वही दाने मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो बस इनको जो है हल्की हल्की मीडियम आँच पर इनको रोस्ट कर लेना है। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इनको रोस्ट होने देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ये दाने थे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं ब्राउन और इनका छिलका भी उतरना शुरू हो गया है। तो मैं इनको एक थाली में डाल लेती हूँ और उसके बाद इनका छिलका उतारेंगे हम। तो इतने हमारे मूंगफली के दाने थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, इतने हम अपना यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है और ये मैंने करीब 250 ग्राम गुड़ ले लिया है यहाँ पर। और इस गुड़ को मैंने चक्कू से थोड़ा बारीक करके काट लिया है ताकि हमारा गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए कढ़ाई में डालने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा गुड़ डालते साथ ही मेल्ट होना शुरू हो गया है। और अगर हम ऐसे के ऐसे ही मोटा मोटा गुड़ डाल देते हैं ना, तो वो जल्दी से मेल्ट भी नहीं होता है और हमारी गैस भी ज़्यादा भुगती है इसमें। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा सा मोटी मोटी सी डली है ये, इनको ही मैं थोड़ा छोटा छोटा कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ, एक घूंट पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और हाँ, मैंने जो इसमें घी डाला है ना, तो उसका भी मैं कारण बताती हूँ कि मैंने घी क्यों डाला है। एक तो उसमें स्वाद आ जाएगा घी का, ऊपर से क्या है ना, ऊपर से जो हम ये चिक्की बनाएंगे उसमें एक चमक आएगी बहुत ही अच्छी सी, तो इसी वजह से मैंने उसमें घी डाला है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है गुड़। तो बस अब हमें इसकी जो है तार वाली चाशनी बनानी है। अभी हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है गैस पर। और ये देखिए यहाँ पर हमारे दाने हो चुके हैं ठंडे। तो बस इनको इस तरह से मसल मसल के इनका छिलका उतार लेना, बहुत ही आसान तरीके से इनका छिलका उतार जाता है बहुत आराम से। तो देखिए सभी को ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा रगड़ लेना हाथ से ही, और बस इनको छिलकों को जो है साफ़ कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो है चाशनी भी लगभग होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर मैं कटोरी में डाल के चेक कर रही थी, तो देखिए गुड़ हमारा एकदम से डालते साथ ऐसे जमने शुरू हो गया है। तो हमारी चाशनी भी लगभग हो ही गई है, बस एक दो मिनट और पकाऊंगी इसको मैं भी। और उसके बाद जो हमारे पास मूंगफली के दाने हैं वो इसमें डालेंगे, और साथ में डालने वाली हूँ मैं तिल। यहाँ पर ले लिया है मैंने तिल, और तिल को पैन में डाल लिया है। मीडियम आँच पर ही इनको 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी। अगर इनको ज़्यादा भूनते हैं तो इनमें एक कड़वा सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, इसी वजह से हम तिल को ज़्यादा देर नहीं भूनते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं, तिल हमारे भुन चुके हैं। तो यहाँ पर गुड़ भी हमारा बहुत अच्छे चाशनी बन गई थी। तो तिल और जो मूंगफली हमने ली थी यहाँ पे, इसके अंदर डाल दिए हैं, और इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके एक दो मिनट और पकाऊंगी इसको, ताकि बहुत ही अच्छे से हमारी चिक्की जो है सेट हो पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एकदम मिक्स होके हो चुके हैं तैयार। अभी मैंने एक थाली में लगा लिया है घी, आप लोग भी घी लगा लेना, दिखा नहीं पाई हूँ सॉरी, लेकिन आप लोग घी लगा लेना अगर थाली में जमाना चाहते हैं तो। तो बस इसको मैं उस थाली के अंदर पलट दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी के काम हो जाते हैं, तो कुछ रिकॉर्ड हो पाता है कुछ नहीं हो पाता है। और आप लोग अगर घी नहीं लगाएंगे तो ये जल्दी से छूट नहीं पाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं तैयार, मैं इसको थाली में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थाली में डाल दिया था, और इसको काफ़ी देर हो गई है रखे हुए, और ऊपर से थोड़े से तिल डाल दिए थे। अभी हम इसको काट के दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए सेट हो चुका है, और बस मतलब पूरी तरह से अभी सेट नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है। तो इसी टाइम पर मैं इसको काट लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो फिर वो कट नहीं पाएगा अगर पूरा ही सूख जाएगा तो। तो इसी टाइम पर मैं इसको काट के रख देती हूँ। तो देखिए आसानी से ये कट रहा है। तो बस इसी तरह से काट के हमें अपनी चिक्की बना लेनी है। और आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, चिक्की ना बनाकर लड्डू भी बन सकते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने तो थोड़े से लड्डू बनाए थे और थोड़ी सी चिक्की बना ली थी इस थाली में, तो दोनों ही चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी अभी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो गजक है, हमारी जो चिक्की है, गुड़पट्टी है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से इसको बुलाते हैं। तो यहाँ पर बन के हो चुके हैं तैयार, बहुत ही टेस्टी सी, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बना के ज़रूर देखें। और ये मैंने कुछ लड्डू बनाए थे जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिए।